एक नंबर यार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज है संडे, तो आज होने वाला एक छोटा सा राइड। तो अभी सारा का सारा तैयारी हो चुका है, तैयारी भी हुआ नहीं है। देख लो, यहाँ पर मोबाइल वोबाइल सारा चीज़ चार्ज हो चुका है। ये हमारा लेंस है, GoPro, सारा चीज़ लगभग लगभग चार्ज हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं अब, इसमें कैमरा माउंट करना है, सारा चीज़ फटाफट से करके निकलते हैं हम लोग। तो यार टाइम हो चुका है 6:30 और यहाँ पर मिठुआ भी जग चुका है। मिठू मिठू, मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ 3 बजे, बाय। तो यार टाइम हो चुका है सुबह के लगभग 7 बजने ही वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ शॉर्ट राइड में। मौसम लगभग ठीक है, थोड़ा ठंडा है अभी सुबह सुबह, बट जो एनर्जी है ना अंदर से राइड का, वो अलग लेवल का है भाई। तो अभी यार हम बिरसा चौक में और यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल ले लेते हैं। बहुत ठंडा हो रखा है यार, 500 का डालिए, कार्ड हो जाएगा ना, कार्ड। काफ़ी ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा ही, लगभग 7 बज चुका है, 7 से ज़्यादा ही हो चुका है और मैं तो हो रहा हूँ थोड़ा सा लेट। निकला जाए फटाफट से, सुबह राइड करने का मज़ा ही अलग है। बस थोड़ा सा पीछे वाला ब्रेक नहीं लग रहा गाड़ी का, तो वो मैं अभी फिक्स करा लेता हूँ कहीं। बिरसा चौक, वाह, पूरा बाउंड्री पे ग्राफिक्स कर दिया गया है। रांची, रामनिक रांची, रामनिक रांची क्या है यार, जो रांची से हो मेरे को कमेंट करके बताना, तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ रांची के सड़कों पे एक रामनिक रांची करके ना लगाया जा रहा है कुछ बोर्ड। अब वो बोर्ड क्या है समझ में नहीं आ रहा। रांची का ना ठंडा ही बहुत ज़बरदस्त होता है यार। अभी तो मुझे आज शाम में पटना भी निकलना है, शाम में लगभग रात में निकल जाऊँगा। आज पूरा ट्रैवल ही ट्रैवल है, अभी इधर, फिर रात है पटना, फिर कल सुबह पटना पहुंचना है, फिर पटना में भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स है तो वो भी अटेंड करना है। बहुत बिजी है आजकल शेड्यूल। तो यार पहुंच चुका हूं मैं हरमू, अभी लग रहा कोई आया नहीं है। सो यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रघुराम ऑटो केयर से और अभी तक कोई आया नहीं है। मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ और टाइम लगभग हो गया है 7:30 बज चुका है। और इधर अपना हेलमेट, बाइक, आज जितनी भी बाइक्स होगी ना वो सारी की सारी क्लासिक ही होने वाली है, क्लासिक 350। तो राइड में काफ़ी मज़ा आने वाला है। डेस्टिनेशन मुझे अभी पता चला, हम लोग जा रहे हैं तमाड़ तक का राइड होने वाला है। कोई आया नहीं है कि सब चल गया? नहीं नहीं, अच्छा, ये शिव भैया नहीं आया? अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सही चाय यार, बहुत ज़रूरी था सुबह सुबह इस चाय का, क्योंकि थोड़ा सा नींद भी नहीं कंप्लीट हुआ था, तो अभी ठीक है। बस हम लोग निकलने वाले हैं, काफ़ी राइडर्स अभी नहीं आए हैं, जब राइडर आएंगे तो हम लोग बस निकलेंगे। तो यार फाइनली हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं और बाइक का लाइनअप देख सकते हो, रेडी टू गो। ये इसको थोड़ा टाइट करवा दीजिए ना, बार बार नीचे गिर जा रहा। तो अभी हम लोग हैं डोरंडा, यहाँ से हम लोग कट जाएंगे नामकुम, नामकुम उससे होते हुए तमाड़, नामकुम के पीछे से मतलब वो रास्ता। तो मिरर थोड़ा ढीला हो गया मेरे को, कुछ पीछे का दिख नहीं रहा यार, यार जरूरी है ये वाला। हाँ अभी ठीक है। नहीं 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 ठीक है, चला रहे, चलिए। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि मेरा जो कैमरा का जो माइक है वो वर्क कर रहा है नहीं। अभी हम लोग बस
बुंडू तमाड़ा रास्ता पकड़ चुके हैं आगे से जमशेदपुर। एक छोटा सा इवेंट है वहाँ, कोई होटल है वहीं पे। शिव्या लीड कर रहे हैं, वाह हिमालयन। तो अभी हम लोग कोई पलांडू नाम के जगह में है। सबसे अच्छा तो आज का वेदर है, शीतलहर थोड़ा चल रहा है लेकिन ठीक है, देख लो उसी के हिसाब से धूप भी निकला है, तो हल्का ठंडा और ऊपर से हल्का धूप का गर्म, ये जो मजा आ रहा है ना यार इसमें राइड करने का, वो अलग ही लेवल का मजा। ये झारखंड की सड़कें और इधर है देख लो खेत वेत। कोलकाता, कोलकाता चला जाए क्या, इधर ही से डायरेक्ट कोलकाता पहुंच जाते हैं। कल यार मैं एक पोस्ट देख रहा था तो कल मुझे पता चला जो बीच का लाइन जो कटा कटा है ना, तो आप लोग ओवरटेक कर सकते हो, और एक जो लंबा लाइन अगर बीच से खींचा हुआ है ना तो आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। वो मेरे को पता नहीं था रूल वूल, तो मेरे को पता चला कि ओ ऐसा ऐसा भी रूल होता है। यहाँ तक का तो रास्ता सही था, अब ये आगे रिंग रोड चला जाएगा और इधर से हम लोग जमशेदपुर ला रोड पकड़ रहे हैं। एक क्या रोड है झारखंड का और एक रोड है बिहार का, सिर्फ पटना में सही है। जैसे ही हम लोग बिहार का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आज हम जा रहे हैं ना पटना, आप लोगों को दिखाएंगे जैसे ही झारखंड खत्म होगा उसके बाद बिहार का रोड देखना, वन वे ऊपर से पूरा टूटा टूटा यार। दसम दसम फल जाना है क्या? तो अभी हम लोग यार पहुंचे एक श्री राम हनुमान जी का एक मंदिर है और इधर काली जी का मंदिर है और आगे जो सामने दसम फॉल है शायद थोड़ा सा आगे, इधर देख लो लाइन अप फिर से एक बार, थोड़ा फोटो वोटो शूट हो रहा है इधर पे। और काफ़ी सही जगह हम लोग रुके हुए हैं, अभी रोड भी काफ़ी अच्छा था, फटाफट हम लोग पहुँच गए, सब कोई भाग गया यार। क्या हो गया यहाँ पर, यहीं रुकना है क्या? महा ढाबा, बड़ा जल्दी पहुँच गए हम लोग। यही है, वाह और भी जगह से लोग आए हुए हैं लग रहा है, सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही दिख ही रहा है। ठीक है, मज़ा आ गया यार, बड़ा जल्दी पहुंच गया, मेरे को लगा था बहुत लेट लगेगा, सही है। देखो नया वाला में यही डिफरेंस है, यहाँ के बदले अब यहीं दे दिया गया लॉक करने का। मां ढाबा इंग्लिश, बड़ा गर्दा इंग्लिश वाले, अरे शक्ति है यार। आप क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं मां ढाबा और यहाँ पर खाना पीना मतलब जो भी है खाना है, जो नाश्ता वास्ता होगा करना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। शॉर्ट राइड था लेकिन मज़ा बहुत आया, और थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएंगे ना तो जमशेदपुर पहुँच ही जाएंगे, लेकिन हम लोग का प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, हम लोग जाएंगे रिमिक्स फॉल, यहाँ से रिमिक्स फॉल जाएंगे, कुछ कुछ लोग हैं जो अपने वापस घर चले जाएंगे।
काफ़ी सही रहा एक्सपीरियंस। कहा जाता ना रॉयल एनफील्ड का खासियत यही है, लॉन्ग राइड कर ली इतना दूर पता नहीं चला। मुझे एक भाई मिले हैं, आपका नाम? हर्षराज। मिले, काफ़ी अच्छा लगा, कैसा था राइड एक्सपीरियंस? बहुत सही था ना। सो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यार हम लोग का नाश्ता वास्ता खाना वाना सारा चीज़ हो चुका है और हम लोग लेंगे यहाँ पर एक ग्रुप फोटो लेने के बाद हम लोग निकलेंगे रिमिक्स फॉल की ओर। और खाने में था वही पनीर का सब्ज़ी, मशरूम का सब्ज़ी और रोटी था, तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि भूख लगभग नहीं लगा अभी। नाश्ता पहले हम लोग कर चुके थे, हम लोग को नाश्ता करने के बाद तुरंत बाद खाना आ गया, तो ठीक है चला जाना। चला जाए, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर। प्लान में थोड़ा चेंजेस है, प्लान ये था कि रिमिक्स फॉल जाना था और फिर उधर से घर निकलना था, लेकिन प्लान में चेंजेस ये है कि आगे कोई अनटच्ड प्लेस है 8 से 9 किलोमीटर दूर। वाह क्या मस्त पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से लगभग हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं क्या है, पहले कभी आए नहीं इधर, देखते हैं। यहाँ से जमशेदपुर अप्रॉक्स 63 किलोमीटर है। उल्ली डी मोटो ब्लॉग करने से यार एक फ़ायदा मुझे लगता है कि अगर मान लो कोई उल्लू डी का होगा, आज का टाइम में तो इंटरनेट हर जगह गांव-गांव तक पहुंच चुका है, तो उल्लू डी मैं बोल रहा हूँ तो यूट्यूब का एल्गोरिथम के बारे में पता ही आप लोगों, जो आप बोलते हो वो सर्च करता है और उसी के हिसाब से वीडियोज़ दिखाता है, ठीक है। जैसे आप मैं उल्लू डी बोला तो उल्लू डी वाले लोग कैसू ना कैसू वो वीडियो मतलब सजेशन में हो सकता है आ जाए अगर वीडियो ज़्यादा वायरल रहा तो। चांडिल डैम यहाँ से 37 किलोमीटर अवे है। वाह क्या नदी है यार, एक नंबर व्यू। थोड़ा सा रोड पे कंसंट्रेट करने का ज़रूरत है हमको। ये क्या लगा हुआ है, रुगड़ी गांव में आप सभी का स्वागत है और रुगड़ी वाले भाइयों किसानों सबको जय जोहार। किसान मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि यहाँ बहुत फसल है, देखो दूर दूर तक यार, दूर दूर तक दिख रहा है ना, दूर दूर तक खेती हुआ है, इधर भी और इनके वजह से ही हमारे घर में खाना वाना मतलब अन पहुँच रहा है। और हम लोग भी मतलब मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड भी वही फार्मर ही वाला है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के। बहुत टाइम से गाँव नहीं गया हूँ, गाँव भी जाऊँगा जल्दी ही। अब आप लोग इंजॉय करो नेचर का, सीनरीज का, और मैं एंजॉय करता हूँ राइडिंग का। जय श्री राम। सबका लग रहा है राइडिंग का प्रो मोड एक्टिवेट हो गया है, खतरनाक कटिंग सब मार के निकल रहा है। ये कैसा प्लेस है यार, इधर सही में अनटच्ड ही है, इधर कोई आता ही नहीं होगा। वाओ सीनरीज देखो, अरे जबरदस्त सीन, यही लग रहा है प्लेस, वो एक नंबर यार। वाह ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना कैमरा में, शायद दिखा हो या ना हो, पानी में बत्तखें तैर रही थी। ओह
फ्रीक यार। थोड़ा ऑफ रोडिंग है। वाव एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर सीन। ना पीछे कोई दिख रहा है यार, ना कोई आगे कोई दिख रहा है। कहाँ गया सब? कहीं सीन देखने का चक्कर में हम पीछे तो नहीं रह गए? ये देखो अंकल लोग अपना गेहूं सुखाते हुए या धान जो भी है, देखा नहीं मैंने। वाह जबरदस्त। GoPro थोड़ा सा हैंग हो गया था, तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उस पहाड़ी के ऊपर। कभी कभी एक दो बार तो मुझे लगा कि मैं डैम में ही कूद जाऊंगा, इतना खतरनाक खतरनाक टर्निंग था, संभल ही नहीं रहा था यार। GoPro धीरे धीरे साथ छोड़ा यार, ऑन कर रहा हूँ फिर ऑफ हो जा रहा, फिर ऑन कर रहा हूँ फिर ऑफ हो जा रहा। अभी हम लोग एक जगह पे आए हुए हैं, नाम मुझे भी नहीं पता है, और लोकेशन इतना खूबसूरत है ना, पीछे देखो। अभी मैं GoPro में इसको रिकॉर्ड किया था, और लौटते वक्त ना एक पहाड़ी पे गए थे, और वहाँ GoPro का बैटरी जस्ट डाउन हो चुका है। तो देखो नज़ारा उधर और भी खूबसूरत नज़ारा था, बट यार GoPro दे दिया गेम। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट घर पे मिलूँगा, नहीं तो क्योंकि अभी डायरेक्ट GoPro का तो बैटरी ऐसे भी डाउन है, तो डायरेक्ट घर ही में मिलते हैं, घर में या फिर कहीं एक और लोकेशन अगर वहाँ रुके तो वहाँ भी मिल सकते हैं। पहले यहाँ से निकलते हैं। आफ्टर लॉन्ग जर्नी फाइनली मैं घर आ गया हूँ। बीच में एक ढाबा में हम लोग रुके थे, चिकन और चावल दबा के खाए एकदम तोड़ तोड़ के यार, पूछो मत, बहुत खाए। उसके बाद जो मुझे बाइक चलाने में जो नींद आ रहा था ना, तो मैंने सोचा व्लॉग करने से अच्छा ना बाइक पे कंसंट्रेट करते हैं रोड में और तुरंत घर पहुँचते हैं। तो मुझे वहाँ से आने में लगभग लग गया एक डेढ़ घंटा। वहाँ से शॉर्टकट रास्ता हम लिए, रिंग रोड चूज़ किए और उधर से हम आ गए। और अभी देखो फाइल सारा का सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, और अभी मुझे निकलना है पटना। सुबह बताया था ना, देखो उधर। तो आज का ब्लॉग गाइस इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं, और आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, और